आपका इस वीडियो में, शिक्षक भर्ती 69,000 आसान नहीं है पूर्ण हो पाना 60-65 पर। जी हाँ मित्रों, शिक्षक भर्ती 69,000 का 60-65 पर पूर्ण हो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, दर्जन भर कारण हैं, जिसे आप यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देख सकेंगे। तो मित्रों पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। शिक्षक भर्ती 69,000 में तो अभी तक केवल एक ही मामला था जिसकी वजह से भर्ती 1.5 साल तक लटक चुकी है 69,000 शिक्षकों में। इसमें मुख्य रूप से एक ही मुद्दा था, 60-65 कटाव या 40-45 कटाव, जिसमें ये 1.5 साल समय पहले से नष्ट हो चुका है। तो एक कारण होने पे इतना ज़्यादा समय लग गया। अब आप यहाँ देखिए, बहुत तेरे कारण हैं जिसकी वजह से ये भर्ती पूरी हो पाना असंभव है और शीघ्र हो पाना बिल्कुल ही असंभव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को शीघ्र करा पाना अब आसान नहीं रह गया है, और शिक्षा अधिकारियों और सरकार शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर एक विवाद सुलझा रही है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा विवाद सामने आ रहा है। और इस तरह से दर्जन भर विवाद शिक्षक भर्ती में हैं, जिसको शीघ्र निस्तारित कराकर सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करा पाना असंभव है। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी तक केवल एक ही विवाद था, लेकिन अब आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों की सीट रिजर्व होने पर जिला आवंटन वाले जा रहे हैं कोर्ट। तो यहाँ देखिए, शिक्षा मित्रों के लिए जो 37,339 सीटें रिजर्व हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है 60-65 कटाव पर, क्योंकि 60-65 कटाव पर ही इस भर्ती को करना होता तो शिक्षा मित्रों की अर्जी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया है इतने पदों को, ये जानते हुए भी कि इसमें 8,000 समथिंग स्टूडेंट ही कैंडिडेट ही पास हुए हैं, फिर भी 39,337 पदों पर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट के मनसा को कुछ और ही प्रदर्शित यहाँ पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पूरी बात को समझने की कोशिश की है कि ये भर्ती जो है मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों के लिए थी, और जो इसका एडवर्टीजमेंट था 69,000 का, उसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि ये किस कटाव पर भर्ती होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंसीडर करने की कोशिश की है, और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा मित्रों के फेवर में काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने स्टे पर दे दिया है। और एक दूसरी चीज़, अब उसके अलावा उससे पहले ही से इसमें चल रहा है कि प्रश्नों के उत्तर गलत होने पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि 69,000 भर्ती जो थी शिक्षा मित्र, इसको लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। क्यों पहुंच गए हैं आप यहां देख सकते हैं कि ये आज की अपडेट है। गलत प्रश्न पत्र मामले में शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी पहले से ही, और शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया था, और गौरतलब है कि गलत प्रश्न पत्र के मामले में सिंगल बेंच सरकार को जाँच करने के लिए कहा भी था और भर्ती पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ में गई, और इस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया। तो इसके खिलाफ भी देखिए, शिक्षा मित्र अभी फिर से कोर्ट गए हुए हैं। और इस पर भी तीसरी बात, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारांक की मांग को लेकर अनुदेशक कोर्ट पहुँचे हुए हैं। जैसे शिक्षा मित्र पूरी लगनशीलता के साथ अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह से अनुदेशक भी अपना कार्य लगनशीलता के साथ कर रहे हैं। तो ये लोग भी अपनी मांग को लेकर के कोर्ट पहुँचे हुए हैं, तो ये भी मामला निस्तारित होना है। और नेक्स्ट चलते हैं आगे, ओबीसी ओवरलैपिंग की मांग को लेकर भी लोग कोर्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट है, आवेदन में गड़बड़ी होने पर तमाम अभ्यर्थी आंदोलन की तैयारी में हैं। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे विवाद हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिला आरक्षण का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि 1999, 2000 या 2001 में अभी तक इनको, या 2015 में बार बार इनको आरक्षण मिल चुका है, लेकिन यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में इनको आरक्षण नहीं मिल सका है। तो ये भी मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, तो इसमें आगे भर्ती हो पाना असंभव है। यहाँ देख सकते हैं, ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य में न जाने देने वाले फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो ये सारे मामले जब तक क्लियर नहीं होते हैं और तब तक बहुत ही आसान नहीं है। हाँ, 40-45 कटाव पर आसानी से भर्ती हो सकती है। और देखिए, सबसे बड़ा जो रोष है युवाओं में, वो है एसएसपी के तबादले पर भड़के युवा जताया आक्रोश। जो एक एसएसपी यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहे थे, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी, उनको इन्होंने हटा करके ये सिद्ध कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो हमारे आपके फेवर में नहीं है, इस भर्ती को शीघ्र शीघ्र करना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको हमने दिखाया कि बहुत तेरे ऐसे कारण हैं जो इस भर्ती को शीघ्र कंप्लीट तो होने ही नहीं देंगे।
एक सुप्रीम कोर्ट का मामला 1.5 साल तक इस भर्ती को लटका के रखता है। ऐसे में यहाँ आपको हमने 7-8 कारण दिखाए, जब तक ये मामले निस्तारित नहीं होते तब तक सुप्रीम कोर्ट के बिना आदेश के ये भर्ती कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और ये देखिए, सोशल मीडिया पर सरकार का पर साधा निशाना, कहा सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को मिली ईमानदारी की सज़ा। और आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर डीएम को हमारे जो मित्र हैं वो देखिए लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस समय अपने आप को जागरूक बनाए रखना और प्रयास करते रहना कि इतनी बड़ी धांधली के बाद भी यदि ये कहीं भर्ती हो जाती है कंप्लीट तो इनका मनोबल बहुत। ये सोशल मीडिया का दौर है और इतनी बड़ी धांधली होने के बाद नित नए इसमें लोग पकड़े जा रहे हैं और रोज़ कुछ न कुछ नए मामले खुलते जा रहे हैं। ऐसे में भी यदि भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो ये जो धांधलेबाज है इनका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा और इसको हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है उसे झेलना ही होगा। तो अभी भी समय है इसमें, यदि हम लोग लगे रहते हैं तो इससे पहले जो 72,825 या 68,500 धांधलेबाजों की भेंट चढ़ चुकी है उस तरह से इस भर्ती में नहीं होगा और ये भर्ती पूरी तरह से कैंसिल हो और एक नए तरीके से पुनः निकाल कर इस भर्ती को ईमानदारी से कराया जाए तभी हम लोगों का भला हो सकता है। नहीं तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन कई सारे ज़िलों में इनके जो रैकेट पकड़े जा रहे हैं और इससे ये भर्ती भी पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो कैंसिल होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और अभी जो बचा हुआ समय है जुलाई में सुनवाई होनी है तब तक लगे रहें जिससे पर्दाफाश हो सके और इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।